हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका होस्ट धीरज यादव और आज हम रिव्यू करने वाले हैं मारुति इग्निस सिग्मा बेस मॉडल का। तो गाइस हम गाड़ी में देखेंगे कि गाड़ी में क्या प्राइस मिलता है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या फीचर है, क्या माइलेज गाड़ी क्लेम कर रही है। तो इन सारी चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस एक एक करके बात करेंगे सारे फीचर्स की, क्या गाड़ी की प्राइस रेंज रहने वाली है सारी चीजों के साथ। तो गाइस यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं। तो गाइज अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज अगर हम बात करेंगे गाड़ी की लेंथ की तो यहाँ पे 3700 mm की लेंथ देखने को मिल जाएगी, और यहीं पर अगर बात करेंगे विड्थ की तो 1690 mm की विड्थ देखने को मिल जाएगी, और यहीं पर हाइट की बात करेंगे तो आपको 1595 mm की हाइट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो गाइज लेंथ विथ हाइट में पूरी गाड़ी आपको सफिशियंट देखने को मिल जाती है। गाइज अगर यहाँ पे बात करेंगे गाड़ी के माइलेज की तो भैया मारुति की गाड़ी है तो माइलेज में तो लाजवाब ही रहती है। तो माइलेज की भी अगर बात करोगे तो 20.89 के एमपीएल का माइलेज क्लेम कर रखा है मारुति ने इग्निस गाड़ी पे, जो कि हम देखेंगे साइड प्रोफाइल तो साइड प्रोफाइल भी काफी अच्छी दिखती है। और गाड़ी की अगर यहीं पे हम बात करेंगे गाड़ी के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो की इस गाड़ी के साथ काफी सफिशियंट रहने वाला है। तो गाइज यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार गाड़ी के फ्रंट लुक की, और की फ्रंट लुक क्या कहता है और कैसा फ्रंट लुक देखने वाला है। तो गाइज एक एक करके सारी चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं, तो चलते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक पे। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं गाड़ी के फ्रंट लुक की, और अगर आप फ्रंट लुक भी देख पा रहे हैं तो फ्रंट लुक भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ से आपको फ्रंट लुक में काफी अच्छा लाइटिंग दे रखी है, और लाइट के साथ साथ आपको एक ग्रिल का भी ऑप्शन देगा, जो कि आप देख सकते हैं ग्रिल काफी अच्छे यू शेप में आपको वेंटिलेटेड के साथ देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छा लगता है। नीचे से अगर हम एयर डैम की बात करेंगे तो एयर डैम को भी काफी खूबसूरत ढंग से सजाया गया, देख सकते हैं आप डुअल टोन फिनिश के साथ देखने को मिल जाएगा। और यहीं पे बात करेंगे आप लाइट की तो आपको यहाँ पे 3G हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा विद टर्न इंडिकेटर के साथ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉग लैम्प का आपको ऑप्शन एवल कराने का दे रखा है, जो कि काफी अच्छा दिया हुआ है। आप लुक की ओर भी देखेंगे तो काफी अच्छा लुक देखने को मिल जाता है यहाँ पे मारुति इग्निस का आपको कंपेरिजन अदर सेगमेंट, तो काफी अच्छा दिखता है। और यहीं पे अगर हम बात करेंगे गाड़ी के सेगमेंट की, किस सेगमेंट की गाड़ी है तो भैया ये आपको पूरी हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी मिल जाती है देखने को। आप देख सकते हैं काफी अच्छा लुक भी दिया गया, ये बेस मॉडल है। तो यहीं पर अगर टायर साइज की आप बात करोगे तो आपको यहाँ पे टायर भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है गाइस, जो कि यहाँ पे आपको 15 इंच का टायर देख 175/65R15 के साथ, जो कि काफी अच्छा देखने को मिल जा रहा है। और यहीं पर अगर हम बात करेंगे गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की तो ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको 180 mm का देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी सफिशियंट रहने वाला है। आपको एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको एक वेंटिलेटेड मिल जा रहा है, जो कि काफी अच्छा डिजाइन दिया गया, एक मतलब स्लीक डिजाइन दिया गया, काफी अच्छा लगता है। आप देख सकते हो यहीं से आपको इंडिकेटर का ऑप्शन दिया है, तो भैया बेस मॉडल है, काफी अच्छा इंडिकेटर दिया है। और सबसे अच्छी बात आप देख सकते हैं कि बेस मॉडल में भी आपको मिरर जो है नॉर्मली बॉडी कलर मिल जा रहा है। अगर अदर सेगमेंट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये आपको ब्लैक ही देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको बॉडी कलर भी दे रखा है। तो गाइस डोर हैंडल की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं डोर हैंडल आपको पूरा बॉडी कलर देखने को मिल जाता है विथ नॉर्मल की के साथ। आप देख सकते हैं कि किसी भी बेस मॉडल गाड़ी में आपको डोर हैंडल एंड मिरर बॉडी कलर देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ मारुति ने सारी चीजें दे रखी हैं आपको। तो एक बार चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की ओर कि इंटीरियर कैसा दिखने वाला है। तो गाइज देख लेते हैं इंटीरियर, तो गाइज इंटीरियर भी काफी अच्छे ढंग से डिजाइन किया, आप देख सकते हैं इंटीरियर भी लाजवाब रहने वाला है। सबसे पहले देख लेते हैं डोर की ओर की डोर के क्या फिनिशिंग दे रखी है, कैसा डोर दे रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिनिशिंग की बात करेंगे तो काफी अच्छी फिनिशिंग दे रखी है, वेट भी काफी गाड़ी का काफी अच्छा दे रखा है। यहाँ पे आप देख आगे के दो पावर विंडो आपको यहाँ पे लॉक सेंट्रल लॉकिंग और यहाँ पे एडजस्टेबल सारी चीजें देखने को मिल जाती है। और ये आप देख सकते हैं सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन भी आपको नॉर्मल देखने को मिल जाता है, बेस मॉडल में आपको कोई भी सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। आप देख सकते हैं ये पूरा आपको फिनिश के साथ दिया गया, यहाँ पे आपको यूटिलिटी ऑप्शन भी मिल जाता है बोतल होल्डर के साथ। और सीट की बात करेंगे गाइस तो आपको यहाँ पे फैब्रिक सीट देखने को मिल जाती है, जो कि काफी सफिशिएंट और काफी अच्छी। एक बार देख लेते हैं कंफर्ट लेवल क्या आने वाला है गाड़ी में। तो गाइस यहाँ पे देख लेते हैं गाड़ी का कम्फर्ट लेवल, कम्फर्ट की बात करेंगे कम्फर्ट लेवल भी काफी अच्छा, वो अभी हम बैक से आपको एक बार दिखा देंगे। तो एक बार देख लेते हैं डैशबोर्ड की, डैशबोर्ड कैसा रहने वाला है गाड़ी का गाइस। तो डैशबोर्ड तो बहुत प्यारा दिखने वाला है गाड़ी का। तो गाइस देर ना करते चलते एक बार डिजिटल मीटर की ओर की, मीटर कैसा दे रखा है। तो गाइस यहाँ पे मीटर की ओर देखेंगे, मीटर है आप ये देख सकते हैं, मीटर भी आपको नॉर्मली देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको फ्यूल इकोनॉमी कितने में कितने किलोमीटर चलेगी सारी चीज देखने को मिल जाती है। अगर देखेंगे आप तो काफी अच्छा दिया गया डिजिटल मीटर भी, कोई देखने में ऐसा नहीं कि मतलब बोरियत सा फील हो रहा है, एकदम स्लीक सा आपको स्टाइलिश दिया गया, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है।
और यहीं पर अगर हम बात करेंगे एसी बैंड्स के ब्लोर की, तो एसी बैंड का ब्लोर भी आपको यहाँ पे इजीली देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छे ढंग से डिजाइन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइटिंग का, फॉग लैम्प का भी ऑप्शन यहाँ के आपको देखने को मिल जाता है। गाइज यहाँ पे अगर आपको देख सकते हैं कि बेस मॉडल में किसी भी गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो आप देख सकते हैं कि म्यूजिक सिस्टम आप यहाँ पे लगा नहीं है, लेकिन बेस मॉडल में आप यहाँ से इनेबल करा सकते हैं, जो कि काफी अच्छे खूबसूरत डिजाइन से दे रखा है। और यहाँ पर अगर एसी बैंड्स की बात करें तो एसी बैंड्स को भी काफी अच्छे ढंग से सजाया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे नॉर्मली एसी है या सारे स्पीड दे रखी है। यहाँ से आप एसी हीटर को सेट कर सकते हैं, फैन की स्पीड बढ़ा सकते हैं या फिर अपने हिसाब से यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा है। और यहीं पे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जर भी बेस मॉडल में देखने को मिल जाता है। गाइस बात करेंगे गाड़ी के सेफ्टी फीचर की, तो सेफ्टी फीचर में आपको डुअल एयरबैग, एबीएस, एबीडी ब्रेक, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और स्टेयरिंग की बात करेंगे आप, तो स्टेयरिंग भी आपको नॉर्मली पूरा देखने को मिल जाता है, जो कि फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग नहीं है, लेकिन सफिशियंट है गाड़ी के इस प्राइस के साथ। यहाँ पे एक बार देखेंगे गाड़ी के ग्लव बॉक्स की, ग्लव बॉक्स कैसा रहने वाला है, तो गाइस ग्लव बॉक्स भी आपको डुअल कैबिन के साथ देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा दिखता है और काफी अच्छा स्पेसियस भी है, काफी बड़ा है, काफी बड़ा आपको ग्लव बॉक्स भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी बड़ा ग्लव बॉक्स दिया गया है यहाँ पे। गाइस यहीं पे बात करेंगे गाड़ी के मिरर की, कि मिरर भी आपको नॉर्मल यहाँ पे बेस मॉडल में देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छे ढंग से दिया। और यहाँ पे आपको लाइटिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे पूरा एलईडी लाइट है, देख सकते हैं आप यहाँ पे काफी अच्छे ढंग से इसको भी डिजाइन किया। यहाँ पे आपको डोर हैंडल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बात करेंगे कम्बल क्वालिटी की, तो काफी अच्छी क्वालिटी दे रखी, काफी अच्छे ढंग से इसको भी सजाया गया है। आप देख सकते हैं दोनों साइड आपको एयरबैग का ऑप्शन दिया, और यहाँ पे भी काफी अच्छा स्पेस दिया गया है, जैसे हम देख पा रहे हैं, देख सकते हैं कि एक बार डोर इंटीरियर आपको, अगर इंटीरियर भी आप देखेंगे तो काफी अच्छा इंटीरियर दिया गया है, आप देख सकते हैं जिस तरीके से। और डिजिटल मीटर भी नॉर्मल दिया है, लेकिन डिजिटल नहीं, लेकिन काफी अच्छा दिया गया है, और सारी चीजें काफी अच्छी दिख गई। और देख सकते हैं आप यहाँ पे सेंटर कंसोल भी काफी अच्छा दिख रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको नॉर्मली ये ब्लैक नहीं दिया गया, नॉर्मली सिल्वर फिनिश में दिया गया, जो कि काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो गाइज एक बार चलते हैं हम गाड़ी के रिवर्स लुक की ओर, कि बैक लुक कैसा देखने को मिल जाएगा आपको। तो गाइज देख लेते हैं एक बार गाड़ी का बैक लुक। तो गाइज यहाँ से हम देख सकते हैं कि मैंने आप गाड़ी की दोनों सीटें फुल पीछे कर रखी हैं, फिर भी आपको काफी अच्छा बैक स्पेस देखने को यहाँ पे मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि सीट का कम्फर्ट कैसा है, सीट कम्फर्ट कैसे रहने वाला। तो गाइज पूरी सीट पीछे होने के बाद भी काफी अच्छा स्पेस दिख जाता है यहाँ पे आपको, आप देख सकते हैं काफी अच्छे ढंग से डिजाइन की। और इंटीरियर अगर हम एक बार देखना चाहेंगे, आप इंटीरियर भी देख सकते हैं काफी अच्छे ढंग से डिजाइन किया, काफी अच्छा इंटीरियर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो गाइज हम यहाँ पे थे कि बैक स्पेस कैसा है, बैक स्पेस भी काफी अच्छा, सीट कंफर्ट भी काफी अच्छा रहने वाला है, जिसमें आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिल जाएगी। आप यहाँ से हेडरेस्ट का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि नॉर्मली हेडरेस्ट है, कोई एडजस्टमेंट का बेस मॉडल में ऑप्शन नहीं दिया जाता है। आप देख सकते हैं ऊपर से यहाँ पे आपको चारों जगह पे, सिर्फ ड्राइवर साइड को छोड़ के तीनों जगह पे आपको एडजस्टेबल हैंडल का भी ऑप्शन दिया गया, जो कि आप अपने हिसाब के इसको एडजस्ट करके पकड़ सकते हैं, काफी अच्छा है। तो गाइज एक बार चलते हैं गाड़ी के बैक लुक की ओर, कि बैक लुक क्या कहता है और कैसा रहने वाला है। तो गाइज अभी हमने गाड़ी का फ्रंट लुक और बैक स्पेस एंड फीचर्स को समझ लिया, एक बार देख लेते हैं गाड़ी के बैक लुक में कि आपको क्या बूट स्पेस मिल जा रहा है, कैसा बैक लुक देखने को मिल जा रहा है। तो गाइज देर न करते एक बार हम चलते हैं गाड़ी के बूट स्पेस की ओर, की बूट स्पेस कितना है, कैसा देखने को मिल जाता है। लीड का बूट स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और आप बाइक लुक से देख सकते हैं कि गाड़ी काफी बोल्ड और काफी अच्छी दिखती है। आप देख सकते हैं कि मतलब दूर से एक अच्छा लुक प्रोवाइड कराती है गाड़ी, बैक लुक से आप देखते हैं काफी प्रीमियमनेस फील कराती है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आपको लाइटिंग का जो शेप दिया है काफी स्टाइलिश दिया है, अदर टू कंपेयर अगर सेगमेंट करेंगे काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। यहीं से आप देखेंगे कि आपको एक रिफ्लेक्टर दिया गया, जो कि रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ है। आपको यहाँ पे चार रिवर्स पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जाएंगे, रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ देख सकते हैं कि आपको पीछे से बम्पर भी पूरा बॉडी कलर देखने को मिल जाता है। तो गाइस गाड़ी पूरे अच्छे ढंग से डिजाइन की गई है, गाड़ी में कोई भी कमी नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पावर एंटीना का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है बेस मॉडल से ही। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं गाड़ी साइड प्रोफाइल से भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, मारुति सुजुकी इग्निस जो कि ये बेस मॉडल है। अगर यहीं पे हम गाड़ी के प्राइस, अगर गाड़ी के प्राइस रेंज की बात करेंगे, तो आपको 5,25,000 रुपए का एक्सोरूम प्राइस देखने को मिल जाएगा बेस मॉडल है, जो कि आपको कर लेते हैं गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, कि गाड़ी का इंजन कैसा रहने वाला है। तो गाइज अगर हम यहाँ पे बात करेंगे गाड़ी के इंजन की, तो आपको यहाँ पे 1197 सीसी का इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड 4-सिलेंडर इंजन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। गाइज यहीं पर गाड़ी के मैक्सिमम, गाइज अगर हम बात करेंगे गाड़ी के यहाँ पे मैक्सिमम पावर की, तो आपको यहाँ पे 81.80 bhp की पावर, 6000 rpm पे 113 nm का टॉर्च, 4200 rpm पे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको
फाइव सीटर गाड़ी मिलेगी नॉर्मल हैचबैक में। तो गाइस इंजन स्पेसिफिकेशन भी काफी अच्छा दिया गया, इंजन भी कोई छोटा नहीं है, काफी अच्छा इंजन दिया गया जो कि अगर सेगमेंट में देखेंगे तो काफी अच्छे ढंग से। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।